नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकावास 24 और मैं हूं यति आपके साथ। विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला आज से 25 नवंबर से शुरू होकर अगले एक महीने तक यानी 26 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे में आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस भव्य ऐतिहासिक सोनपुर मेला का शुभारंभ करने वाले हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण एक केंद्र बनाया गया है जो पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर का एक विलेज जो है उसको निर्माण किया गया है। वह हम आपको बता दें कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 दिवसीय कॉटेज का भी निर्माण किया गया है। वहीं पटना से सोनपुर जाने के लिए स्पेशल टूर पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है। बॉलीवुड गायिका ससुराल गेंदा फुल जो गाना है वो उसकी फेम श्रद्धा पंडित अपनी टीम के साथ आज इस मेले को प्रस्तुति भी देने वाली है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल में अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र का भी निर्माण कराया गया है। वहीं पर्यटक गाइडों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पहले दिन हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन व पर्यटक ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया जा सकेगा। वहीं अगले दिन यानी कल मेला भ्रमण करते हुए दोपहर 3:30 तक से पटना वापसी की भी प्लानिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा एक दिवसीय स्पेशल टूर पैकेज भी तैयार किया गया है जो दोपहर 12 बजे से संध्या 7 बजे तक के लिए बनाया गया है। वही हम आपको ये भी बताते चले कि पशु मेले में प्रतिबंधित पशुओं की खरीद बिक्री नहीं होती है। परंपरागत ढंग से पशु मेला का संचालन होगा। बाजार जो है वो घोड़ा बाजार इस बार के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। हालांकि हर साल जो है ये मुख्य केंद्र बना रहता है, जिसमें अब पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में करीब 5,500 घोड़े इस मेले में आए थे। घोड़े की चाल की प्रतियोगिता भी कराई गई थी। वहीं पिछले साल से शुरू एडवेंचर स्पोर्ट्स को इस बार बने पैमाने पर तैयार किया गया है और इसको भी लेकर जो एजेंसी है उसका चयन किया जा चुका है। पिछले साल विदेशी पर्यटक कम आए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से तैयारी मेले को लेकर की गई है उसमें इस साल समय के साथ इसमें स्कॉटेज बनाने का भी काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि इस बार विदेशी पर्यटकों को सोनपुर मेला अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगा।